राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यकाल की जनेश्वर मिश्र और जेपी इंटरनेशनल समेत कई परियोजना के निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में अपने ऑडिट में करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी दी गई है। बता दें कि यह घोटाला साल 2015-16 में हुए थे। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में बिना टेंडर ठेकेदार और कंपनियों के नाम बांटे गए, जबकि कुछ लोगों को निर्धारित नियम के पार जाकर अधिक भुगतान भी किया गया था। वहीं ये जानकारी स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग ने दिया। विभाग ने अपने ऑडिट में वित्तीय वर्ष 2015-16 में घोटाले और गड़बड़ी की जानकारी देते हुए एलडीए के दोषी अधिकारियों से रिकवरी की सिफारिश भी की है। खास बात यह है कि 200 करोड़ रुपए घोटाले के वक्त एलडीए वीसी सत्येंद्र यादव थे। वहीं आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों और चहेतों को बिना टेंडर के काम देकर उन्हें लुभाया लाभ भी पहुंचाया था। अब एलडीए की तरफ से घोटालों के दोषी अफसरों को पत्र भेजकर रिपोर्ट महंगाई जारी है। रिपोर्ट आने के बाद इसने शासन की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। वहीं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जेपी इंटरनेशनल सेंटर में कंसल्टेंट को 3.29 करोड़ रुपए से अधिक फीस दी गई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि जेपी सेंटर में पूरी योजना के 1.5% फीस कंटेंट कंसल्टेंट को चुकाई गई है, जिससे एलडीए को 3.59 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह जनेश्वर मिश्र पार्क में 6 गोल्फ कार्ट खरीदने के लिए 45 लाख रुपए से अधिक भुगतान किया गया था। हालांकि ऐसे घोटाले आए दिन सामने आते ही रहते हैं, कभी नेता तो कभी राजनेता तो कभी एक्टर या बिजनेसमैन। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।